शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तां पहला अध्याय 33वीं कहानी। कहते हैं कि एक वजीर अपने से नीचे दर्जे के लोगों पर बहुत मेहरबानी रखता था और प्रत्येक मनुष्य को सुख देने की चेष्टा किया करता था। एक समय जब बादशाह उससे नाराज हो गया तो सब लोगों ने मिलकर उसके छुड़ाने की चेष्टा की और जिन लोगों की मातहती में वह कैद किया गया था उन सब लोगों ने उसे बिल्कुल तकलीफ न होने दी। दूसरे अमीर उमरा ने बादशाह के सामने उसके गुणों की प्रशंसा की। परिणाम यह हुआ कि बादशाह ने उसका अपराध क्षमा कर दिया। एक नेक आदमी को जब इस घटना का हाल मालूम हुआ तो उसने कहा, अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए अपने बाप दादे का बगीचा बेच दो, अपने शुभ चिंतक की रसोई तैयार होने के लिए अपने घर का सामान अरायवग भी जला देना उचित है। बुरे आदमी के साथ भी भलाई ही करनी चाहिए, क्योंकि एक टुकड़ा रोटी देकर कुत्ते का मुंह बंद कर देना ही सबसे अच्छा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रत्येक मनुष्य के साथ भला बर्ताव करना चाहिए। भलों के साथ भलाई का व्यवहार करना तो ठीक ही है, किंतु दुष्ट बदकार और नीचों के साथ भी भलाई करने में ही अपनी भलाई है। कहानी